हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं वैकेंसी एरिया एजुकेशन और मैं आप लोगों को एक और अच्छी खबर देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, बिजली विभाग की एक और भर्ती आ चुकी है। काफ़ी दिनों पहले इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जिसकी बात हमने आप लोगों के सामने रखी थी। इसमें सवाल ये था कि आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। अब मैं आज फिर से एक और वीडियो के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसमें पूरी आवेदन प्रक्रिया कर सकें, कैसे जमा करवाना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, और इसमें लाइनमैन की पोस्टें कौन सी है, और जेई की और जेएन की पोस्टें कौन सी है, दसवीं वालों के अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर की पोस्टें कौन सी हैं, सारी जानकारी के साथ बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आपको बता दें, एकदम सरकारी और परमानेंट भर्ती है। भारत का कोई भी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है, बस आपको यहाँ की कुछ कंडीशन रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट नौकरी करना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि अगर आज जो भर्ती का नोटिफिकेशन प्राप्त आपको हुआ है, ऐसे कई ढेर सारी जो आने वाली भर्तियाँ हैं अपकमिंग, या फिर न्यूज एजेंसी या फिर अखबार या कोई भी किसी भी जरिए आपको जॉब की सूचना देते रहेंगे, चाहे भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो या फिर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई सी भी भर्ती हो, हम सबसे पहले आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे तो हम बढ़े तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले नोटिफिकेशन रखें आपके सामने। तो ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जिसे आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, चाहे भले ही किसी भी तरीके से आप इसे देख सकते हैं। नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पर्सन फॉर इन्वाइटेड फील ऑफ फाइव, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। बात की जाए HPPCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम, हिमाचल यानी कि शिमला में आपकी जॉब लोकेशन होगी। करीबन 34,000 रुपये तक आपकी सैलरी होगी, 4,500-4,300 रुपये ग्रेड पे के अनुसार। पर यहाँ पे क्वालिफिकेशन बीटेक और जेई वगैरह स्टूडेंटों के लिए होगी। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें 10वीं 12वीं वाले स्टूडेंटों के लिए, तो उनकी पोस्टें भी यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे उनकी एक पोस्टें हैं, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे उनकी पोस्टें दी हुई है। आवेदन करने के लिए आपके पास 15 सितंबर या फिर 30 नवंबर से पहले आपको जमा करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। अब कंडीशन इसमें कुछ ये है कि अगर इसमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं, जो अगर वो आवेदन करते हैं तो उनके लिए 30 वर्ष हैं, और इसके आसपास हिमाचल के रहने वाले हैं उनके लिए 15 वर्ष की, यानी कि 15 सितंबर तक आप इसे जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक एक पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन BPL के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10वीं की क्वालिफिकेशन के अनुसार, या फिर आप अपनी डिप्लोमा टेक्निकल के अनुसार कैसे आवेदन करेंगे, ये यहाँ पे जानकारी दी हुई है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट के अनुसार आगे हम बात करें तो इसमें जो 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट है तो ये आपको लगानी होगी। SC ST कैटेगरी की बात करें तो BPL का सर्टिफिकेट है तो वो लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का लगाना होगा। अब आगे हम बात करें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। सेकंड बात, सिग्नेचर फ़ोटो और अटैचमेंट के साथ इसे भेजना होगा ऑफिशियली एड्रेस के ज़रिए। आप कैसे आवेदन कर रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों तरीके आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको मैं सबसे पहले इसका फॉर्म दिखा दूँ। ये फॉर्म का प्रारूप है, ऑफलाइन आपको जमा करवाना होगा। 3 महीने तक की आपकी फ़ोटो पुरानी होनी ज़रूरी है, तभी आप इसे भेज पाएंगे। आपको किसी प्रकार का चार्ज देना है तो आपको DD या चालान के जरिए इसका जमा करवाना होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इसके आगे पोस्टों के ऊपर, यहाँ के एक एक डिपार्टमेंट की एक एक ही पोस्ट दी हुई है, यानी कि क्वालिफिकेशन भी उनके अनुसार ही दी हुई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको इसका पूरा फ़ायदा हो सकता है, पूरी बेनिफिट आप उससे उठा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। अब सवाल ये होगा कि जो ये डाउनलोड है नोटिफिकेशन, वो कैसे डाउनलोड करना होगा, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे आएंगे तो हिमाचल जो न्यूज एजेंसी है उसके अंदर फर्स्ट कॉलम पे ही आपके सामने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जहाँ से आप लोग यानी कि आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये है आईएएस का विवरण। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का सवाल जवाब करना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।